Welcome to MKD Education. Myself Manoj Kumar Das. Today we will discuss about topology. That means network topology. What is network topology? Network topology means how the computers or network devices are connected with each other. इसका मतलब है कंप्यूटर जो डिफरेंट टाइप का कंप्यूटर है तो उन लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं सोच लो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम राकेश से बात कर रहे हो, राकेश मेरे से बात कर रहा है, ठीक है। तो हम तीनों किस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क में। तो उसी तरह हम लोग तीन या चार कंप्यूटर को एक साथ कनेक्टेड करेंगे और नेटवर्क डिवाइसेस है उसको हम लोग कनेक्टेड करेंगे। तो उनके बीच में जो मैसेज ट्रांजेक्शन होगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन किसके थ्रू में होगा, पहला क्लास में ऑलरेडी तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर 3 का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क तो क्या है, समझ में आ गया। तो टोपोलॉजी क्या है, How we will arrange the computer system? तो कैसे हम लोग arrange करते हैं? मैं कैसे arrange किया तुमको और राकेश को? मैं connected हुआ तुम्हारे साथ, तुम connected हुए राकेश के साथ। तो ये एक structure बन गया, समझ में आ रहा है? ऐसे सोच लो, तुम राकेश के साथ भी connected हो, मेरे साथ भी connected हो, और मैं तुम्हारा साथ connected हूँ और राकेश के साथ connected हूँ, और राकेश भी मेरे साथ connected है, तुम्हारे साथ connected है। ये एक structure बन गया। तो ये दो टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कशन किए, मगर कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारा स्ट्रक्चर है। टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट इन व्हिच द कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। समझ में आ गया। तो कंप्यूटर सोच लो, अभी 10 कंप्यूटर मेरे पास है, तो 10 कंप्यूटर का कनेक्ट करने से हम लोग क्या उसको बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग बोलते हैं। सोच लो ऐसा है, ऑलरेडी तुमको सार पढ़ा चुके होंगे, तो यहाँ पे कंप्यूटर है, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे कंप्यूटर है, और यहाँ पे कंप्यूटर है। सोच लो ये एक घर में है, ठीक है, ये घर में है, क्लियर। तो एक बिल्डिंग में या एक रूम में है, तो ये कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट किए, इसको इसके साथ कनेक्ट किए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये एक टाइप का कनेक्शन हो गया। क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मशीन वन, सोच लो ये एक नेम दे दिया, मशीन 1 2 3 4 5। कंप्यूटर 1 चाहता है मैसेज ट्रांसफर करने के लिए किसके पास, कंप्यूटर 2 को देना चाहता है, कंप्यूटर 2 चाहता है कंप्यूटर 3 को देने के लिए, कंप्यूटर 3 चाहता है कंप्यूटर 4 को देने के लिए, लाइक दैट, क्लियर। तो उसके लिए हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो कनेक्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया, एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो ये हम लोग का पढ़ाई का टॉपिक नहीं है, हम लोग का पढ़ाई का टॉपिक है कि ये तो तुम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर को कनेक्ट कर देंगे तो वो नेटवर्किंग बन गया, मगर हम लोग पढ़ेगा कंप्यूटर को और एक कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे। ये जैसे एक स्ट्रक्चर बन गया, ये इसके साथ, 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 क्लियर। तो और एक स्ट्रक्चर बन सकता है, ये कंप्यूटर 1 2 के साथ कनेक्ट होगा, 3 के साथ कनेक्ट होगा, 4 के साथ कनेक्ट होगा, और 5 के साथ कनेक्ट होगा, क्लियर। ये 2 1 के साथ कनेक्ट होगा, 3 के साथ कनेक्ट होगा, 5 के साथ, 4 के साथ, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, समझ में आ रहा है। तो ये जो डिफरेंट टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तुमको मैं दे दिया 10 कंप्यूटर, तुम 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करोगे, तो किस तरह कनेक्ट कर रहे हो, एक के साथ दूसरे को, उसी जो स्ट्रक्चर हो, जो स्ट्रक्चर आ रहा है, वो स्ट्रक्चर का हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। जो पहला लाइन लिखा गया, द टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट इन व्हिच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। एनी कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस, हब, राउटर, ब्रिज, दीज आर द
नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो ये कल क्लास के बाद तुम्हारा पढ़ाई होगा व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। और हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं क्या, हम लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर कनेक्टेड होता है, नहीं, एक 10 कंप्यूटर है, एक प्रिंटर भी कनेक्टेड होता है, तो वो भी क्या हो गया, प्रिंटर किसके साथ आ गया, वो नेटवर्क के अंदर आ गया। तो हम लोग कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, और नहीं तो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, तो उस टाइप को जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर का हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर? तो ऑलरेडी हम लोग का कोर्स मटेरियल जो दिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा गया है, देखो डेफिनेशन दिया है, 2 मार्क का ये डेफिनेशन आता है, नहीं तो जनरली ये क्वेश्चन 10 लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आता है व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर? तो आज ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के लिए, हम लोग का तुम लोग सोच लो 10 मार्क 100% हो गया। सिर्फ तुमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, प्रैक्टिस, कोर्स मटेरियल को पकड़ो और प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो बहुत सारा नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोग बना सकते हैं, क्या क्या टोपोलॉजी है, बॉस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्लियर? तो जो टोपोलॉजी हम बनाएंगे, तो क्यों बनाएंगे, क्योंकि हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे। समझ पा रहे हो? मेरे में राकेश पहला जो एग्जाम्पल दिया था, याद है तुम्हारा, मैं तुम्हारा साथ कनेक्ट हुआ, मैं राकेश के साथ क्यों डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि राकेश का नंबर मेरे पास नहीं है, तुम्हारा नंबर मेरे पास है। तो मैं क्या किया, तुम्हारा साथ कनेक्टेड हुआ, तुम क्या किए, तुम राकेश के साथ कनेक्ट किए, तो मेरा मैसेज राकेश के पास पहुंच गया इनडायरेक्टली थ्रू यू। मैं तुमको मैसेज दिया, तुम राकेश को ट्रांसफर कर लिए। क्लियर? ये एक स्ट्रक्चर बन गया। सोच लो मेरे पास दोनों का नंबर है, तो मैं दोनों को मैसेज देता, ये एक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसीलिए हम लोग का डिफरेंट टाइप का टोपोलॉजी और डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर इसीलिए डेवलप हुआ, क्योंकि हम लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं बस टोपोलॉजी। पहला हम लोग का आर्टिकल क्या है, बस टोपोलॉजी। ये तो क्लियर हो गया क्या नेटवर्क है और कैसे कनेक्टेड होता है। तो हम लोग जाते हैं पहले बस टोपोलॉजी। तो ये तो जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, जो बस में, वो बस नहीं है, ठीक है, वो टेक्निकल में बस टोपोलॉजी अलग है। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, हम लोग सोच लो ऐसे कंप्यूटर बना दिए, ठीक है, कंप्यूटर ऐसे है और ऐसे कंप्यूटर है, क्लियर, ऐसे कंप्यूटर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कंप्यूटर को सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो किस टाइप कनेक्ट करें, यहाँ पे दे देते हैं, तो ये कलर मैं यूज करता हूँ, थोड़ा तुमको इजी होगा याद रखने में। तो यहाँ पे एक केबल डाल देते हैं, केबल, समझ में आया, केबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन, क्या बोलते हैं, ये टोपोलॉजी का बैकबोन बोलते हैं। यहाँ लिखा गया, देखो, द बस टोपोलॉजी इज कनेक्टेड इन सच ए वे दैट ऑल नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल इज नोन एज बैकबोन केबल। दैट मींस ये क्या बन गया हम लोग का, बैकबोन केबल। तो ये केबल सबके साथ कनेक्टेड होगा, क्या होगा, सबके साथ कनेक्टेड होगा। तो ये कंप्यूटर को मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये कंप्यूटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये कंप्यूटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया, ये कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट हो गया। तो ये कंप्यूटर सोच लो, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर 1 अभी चाहता है कंप्यूटर 3 को मैसेज देने के लिए, कंप्यूटर 1 चाहता है कंप्यूटर 3 को मैसेज देने के लिए। क्लियर? तो कैसे मैसेज देगा, तो ये तो बहुत बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है नेटवर्किंग, ठीक है, मगर छोटा हम लोग याद रखेंगे छोटा सा कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैं तुमको मैसेज दे रहा हूं, तो मैसेज टाइम पे मोबाइल में भी जनरली हमको एड्रेस देना पड़ता है, क्या तुम्हारा फोन नंबर मेरे को देना पड़ेगा, फोन नंबर नहीं दूंगा तो मैसेज ट्रांसफर नहीं होगा तुम्हारे पास। मेल आईडी, तो मैं मेल करना चाहता हूँ तुमको, तो तुम्हारा मेल आईडी मेरे पास होना चाहिए, तुम्हारा मेल आईडी में वहां पे डालने के बाद मैसेज अटैच करूंगा, उसके बाद सेंड करूंगा। तो तुम जब रिसीव करते हो, कैसे रिसीव करते हो, एग्जैक्टली अपोजिट, कैसे, तुम देखते हो कि मेरे को कौन सा आईडी से मेल आया है,
कौन सा फोन नंबर से मेरा मेरे पास मैसेज आया, उसका मतलब है हम लोग जब मैसेज ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट मींस द मैसेज हैविंग एड्रेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, दैट मींस इफ दिस इज ए मैसेज पैकेट, दैट मींस हियर आवर इंफॉर्मेशन और मैसेज, हियर आवर एड्रेस ऑफ सेंडर, हियर एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन नोड, क्लियर। तो इसी हिसाब से हम लोग का भी क्या होगा, कंप्यूटर वन से कंप्यूटर थ्री को जाएगा मैसेज, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा वन, यहां पे क्या लिखा जाएगा थ्री, क्लियर। एक ही स्ट्रक्चर को मैं अच्छा से तुमको बोल दे रहा हूं, बोल देने के बाद बाकी सब दो मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, दो मिनट में, टेन मार्क रखना, दस मिनट हम लोग लिखेंगे नोट्स, दस मार्क हो जाएगा एग्जाम में, इतना इजी है, थोड़ा अच्छा से समझने के बाद वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग ज्यादा टाइम देते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो कंप्यूटर वन चाहता है कंप्यूटर थ्री को मैसेज देने के लिए, तो यहाँ पे मैसेज दे दिया मैं, सोच लो मैं मैसेज रहता तो हेलो और हाउ आर यू, ये मैसेज देना चाहता हूं, कंप्यूटर वन मैसेज देना चाहता है हाउ आर यू, किसको देना चाहता है कंप्यूटर थ्री को, नोड थ्री को, डेस्टिनेशन थ्री को, डिवाइस थ्री को, क्लियर। तो अभी क्या होगा, ये मैसेज, ये जो मैसेज है यहां पे आ जाएगा, क्लियर, मैसेज यहां पे आ जाएगा, ये क्या करेगा यहां पे जाएगा, पहले डायग्राम दिखाई दे रहा है ठीक से दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो ये पैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेट, ये पैकेट कहां जाएगा, इसके पास जाएगा, इसका एड्रेस क्या है फाइव पे, यहां पे डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है थ्री है, दिखा दे रहा है, थोड़ा बड़ा करो हमें, दिखा दे रहा है ना, ये थ्री है, ये क्या है एड्रेस फाइव है, वो रिसीव नहीं कर पाएगा, वो क्या करेगा ये फिर रिटर्न आके फिर फॉरवर्ड मूव करेगा, क्लियर। फॉरवर्ड मूव करके यहां आएगा, क्योंकि ये नोड पहले आ रहा है तो यहां आएगा, पैकेट फिर यहां आ गया, क्लियर। इसका एड्रेस क्या है टू, पैकेट का एड्रेस क्या है थ्री, ये रिसीव नहीं करेगा, ये भी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो पैकेट कहां जाएगा, फिर इधर आएगा, इधर जाएगा, तो ये पैकेट का एड्रेस क्या है थ्री, इसका एड्रेस क्या है फोर, ये फिर रिसीव नहीं हुआ, फिर इधर आएगा, ठीक है। तो यहां पे एड्रेस क्या था वन, इसका एड्रेस क्या है जो डेस्टिनेशन का एड्रेस थ्री है, और कंप्यूटर का एड्रेस क्या है थ्री है, तो ये मैसेज यहां पे ट्रांसफर होगा, क्लियर। हाउ टू ट्रांसफर ए मैसेज पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन इन ए बस टोपोलॉजी, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी मैं जो जो भी पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारा पास कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है तुम्हारे पास, क्यों जा रहा है, क्यों ना एमकेडी एजुकेशन में तुम लोग रजिस्ट्रेशन किए हो, एमकेडी एजुकेशन में मैं पढ़ा रहा हूं, इसीलिए डाटा मेरे से तुम्हारे पास जा रहा है। तो एमकेडी एजुकेशन एक स्ट्रक्चर है, एमकेडी एजुकेशन क्या हो गया एक स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में मैं क्या बन गया सोर्स, तुम क्या बन गए डेस्टिनेशन, मैं जो बोल रहा हूं तुम लोग रिसीव कर रहे हो, क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो थोड़ा आगे जाते हैं, ईच नोड इज आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय ड्रॉप केबल और डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल, बहुत ही इजी है। हम लोग को थोड़ा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा इधर कैमरा को डालने के लिए, ठीक है। तो जो समझा गया है ये बोलते हैं क्या है, जो इसमें बोला गया है हम लोग का क्या बोला गया है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल और ड्रॉप केबल, ठीक है। तो ये क्या बन गया हम लोग का बैकबोन केबल, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, ये बोला था स्टेप में बैकबोन केबल, तो ये क्या बन गया ड्रॉप केबल। तो जो बोल रहा है सेंटेंस बोल रहा है कि थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हारे पास होगा, ये क्या बन गया हम लोग का बैकबोन केबल, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया ड्रॉप केबल, क्लियर। यहां पे भी हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर लगा सकते हैं, ठीक है, एक ड्रॉप केबल यूज करके कंप्यूटर लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बैकबोन में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या बन गया, तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, व्हेन ए नोड वांट्स टू सेंड ए मैसेज ओवर द नेटवर्क, इट पुट्स द मैसेज ओवर द नेटवर्क एंड ऑल द नोड्स अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज व्हेदर इट हैज बीन एड्रेस और नॉट, क्लियर। ऑलरेडी ये जो दिया गया है कोर्स मटेरियल थर्ड पॉइंट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूं ये, और दो बार नहीं बोलूंगा, क्यों, ये क्यों
और समझ तुम ऑलरेडी समझ चुके हो क्या मैसेज जो भी ट्रांसमिट होगा सोचो सिस्टम वन से मैसेज जा रहा है तो वो सबके लिए मैसेज सेंड करेगा जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच करेगा वो रिसीव करेगा बाकी सब क्या करेंगे डिस्कार्ड क्लियर कंफर्म तो नेक्स्ट पॉइंट है जो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो तो फोर्थ पॉइंट लिखा गया है ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी ये बहुत ही इजी है तुमको भी इजी लग रहा होगा शायद ये बहुत ही इजी है उसको अरेंज करना लगाना और उसको मेंटेन करना या मैनेज करना बहुत इजी है एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी क्लियर तो नेक्स्ट टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन व्हिच कंप्यूटर्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू वेरियस कनेक्शन विथ ईच अदर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूं और राकेश का साथ भी कनेक्टेड हूं राकेश मेरे साथ कनेक्टेड है तुम्हारे साथ कनेक्टेड है तुम राकेश के साथ कनेक्टेड हो मेरे साथ कनेक्टेड हो तो ईच अदर क्लियर जो जहां पे कोर्स मटेरियल है वहां पे अंडरलाइन करो ईच अदर जो सेंटेंस आ गया विथ ईच अदर वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देयर आर मल्टीपल पार्ट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर मैं चाहता हूं राकेश के साथ बात करने के लिए तो कैसे बात करूंगा मैं तुम्हारा थ्रू में जाके बात कर सकता हूं मैं डायरेक्ट राकेश से बात कर सकता हूं मैं डायरेक्ट मेरे पास कनेक्टेड कर रहा केबल है ना राकेश के साथ तो मैं डायरेक्ट राकेश के साथ बात करूंगा नहीं तो तुम्हारा थ्रू में जाके बात करूंगा तो मल्टीपा क्लियर मल्टीपा जब भी मोर देन वन कोई भी चीज में रहेगा तुम जैसे पढ़ाई के साथ तुम और दो तीन चीज काम करोगे तो क्या होगा पढ़ाई खराब होगा होगा कि नहीं ऑब्वियसली पढ़ाई खराब होगा तुम अभी डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा में जितना ज्यादा फोकस करोगे जितना टाइम दोगे तुम्हारा डिप्लोमा रिजल्ट उतना अच्छा होगा तुम बोलोगे नहीं मैं डिप्लोमा के साथ में और चार चीज करूंगा फिल्म देखूंगा घूमूंगा शाम को मस्ती करूंगा सोऊंगा टीवी देखूंगा मोबाइल देखूंगा तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा रिजल्ट खराब होगा तो जब भी मैं मोर देन वन पाथ से जाके एक नोड को कनेक्ट कर रहा हूँ तो वहां पे ट्रैफिक प्रॉब्लम आएगा ऑब्वियसली तो It does not contain any switch or hub or any central computer which act as a center point of communication. तो कोई बीच में नहीं रहेगा जिसको कि हम तीनों को कंट्रोल करेगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली किसी के साथ भी बात कर सकते हैं क्योंकि केबुल है राकेश के साथ मेरा केबुल है तुम्हारा साथ भी मेरा केबुल ड्रॉ है तुम्हारा राकेश के साथ है तो बीच में कोई भी नहीं रहेगा क्लियर और मेश टोपोलॉजी मेनली यूज फॉर वन इम्प्लीमेंटेशन होया कम्युनिकेशन फेल इज एन क्रिटिकल कंसर्न यदि एक बार हम लोग के बीच में हम लोग अभी कितना नोड का बात कर रहे हैं कितना परसेंट का बात कर रहे हैं ओनली 3 तुम लोग सोच लो अभी 300 स्टूडेंट मेरा जान पहचान वाले हैं वो उन लोग सब ईच अदर को जानते हैं क्लियर तो 300 स्टूडेंट कनेक्टेड होंगे ईच अदर तो कितना केबल होगा कितना समझ पा रहे हो ना तो कहीं पे भी एक फॉल्ट हो गया तो डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है ऑब्वियसली 300 स्टूडेंट सबके साथ कनेक्टेड होंगे सबके साथ पहला लाइन लिखा गया है मैं बोला था ऑनलाइन करने के लिए ऑनलाइन हो गया ना पहला पॉइंट विद ईच अदर 300 स्टूडेंट मैं सोच रहा हूं स्टूडेंट हूं तो मैं 299 स्टूडेंट साथ कनेक्टेड होऊंगा 299 क्लियर तुम 299 साथ कनेक्टेड होगे क्लियर तो ऐसे कितना केबल होगा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि नहीं तो इसलिए ये थोड़ा क्या है फेलियर हुआ तो डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है ठीक है तो थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं वो डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं ठीक है ये सेम डायग्राम बनाएंगे हम लोग ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे ठीक है ये थोड़ा मिट गया और एक बार बना देते हैं हो गया तो क्या दिखा रहा है हम लोग का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कनेक्टेड विथ ईच अदर तो ये पहला कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट होगा इसके साथ कनेक्ट होगा इसके साथ कनेक्ट होगा इसके साथ कनेक्ट होगा क्लियर कंप्यूटर टू ऑलरेडी कनेक्टेड है ठीक है ये कनेक्शन हो गया और 5 के साथ कनेक्ट होगा 4 के साथ कनेक्ट होगा 3 के साथ कनेक्ट होगा क्लियर कंप्यूटर 3 ऑलरेडी 1 के साथ कनेक्टेड है 2 के साथ कनेक्टेड है 5 के साथ कनेक्ट होगा 4 के साथ कनेक्ट होगा क्लियर 4 ऑलरेडी 1 के साथ कनेक्टेड है 2 के साथ कनेक्टेड है 3 के साथ कनेक्टेड है 4 5 के साथ कनेक्टेड होगा
हाई देखो चारों के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, तो ये क्या बन गया मेष टोपोलॉजी, वेरी इजी मेष टोपोलॉजी। देखो हम लोग का वहां पे कितना बार बस टोपोलॉजी में कितना तो था वायर, सिर्फ केबुल था एक तो जिसको हम लोग बोलते थे बैकबोन केबुल, और छोटा छोटा ड्रॉप केबुल हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कितना केबुल हो गया सोचो, पांच सिस्टम है, कितना केबुल बन गया, तो 300 कंप्यूटर लगे हैं तो कितना कंप्यूटर कितना केबुल होगा, समझ पा रहे हो ना। तो कहीं पे भी एक फॉल्ट बन गया तो उसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी में। तो नेक्स्ट टोपोलॉजी क्या है, स्टार टोपोलॉजी। थोड़ा थोड़ा बैक करेंगे हम लोग, थोड़ा थोड़ा पेशेंस है तो थोड़ा बैक करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट चला गया हम लोग का, ये डज नॉट करते हैं एनी स्विच ऑफ और सेंटर पॉइंट। कौन सा मेष टोपोलॉजी, मेष टोपोलॉजी में थोड़ा कैमरा इधर डालिए, यहाँ पे कोई सेंटर डिवाइस नहीं है, यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है जो कि सबको कंट्रोल करता है, ऐसा सिस्टम नहीं है मेष टोपोलॉजी में, सेंट्रल कोई डिवाइस नहीं है। मगर हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो जा रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट रहता है, एक सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट सबके साथ कनेक्टेड रहता है। क्लियर, एक डिवाइस रहेगा सेंटर में, वो सेंटर पॉइंट सब डिवाइस को, सब नोड को और सब कंप्यूटर को कनेक्टेड होंगे। क्लियर, तो स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क इन व्हिच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब स्विच सेंटर कंप्यूटर। तो जो सेंटर में रहेगा एक कंप्यूटर हो सकता है, एक हब हो सकता है, कोई भी कनेक्टेड नेटवर्किंग डिवाइस हो सकता है। तो सेंटर में रहेगा तो उसके साथ और एक कंप्यूटर लग गया, इसके साथ और एक कंप्यूटर, उसके साथ और एक कंप्यूटर। सोच लो तुम्हारे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास कंप्यूटर है, हम दोनों बात करने जा रहे हैं, तुम कैसे बात करोगे, तुम्हारा मैसेज कहाँ आएगा, यहाँ सेंटर पॉइंट में, सेंटर पॉइंट से कहाँ आएगा मेरे पास। क्लियर, तो द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर, जनरली जो बीच में रहता है उसको सर्वर बोलते हैं, हम लोग जो बाहर रहे हो क्या बोलते हैं उसको क्लाइंट, उसको क्या बोलते हैं क्लाइंट, जो बीच में रहा हो क्या बन गया सर्वर। क्लियर, ये सब चीज कोई भी चीज तुम्हारा कोर्स मेटेरियल से बाहर जाके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार टोपोलॉजी दिया गया, जो फोर्थ चार पॉइंट है वो चार पॉइंट को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोएक्सियल केबल्स और RJ45 केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर। जो रहता है हम लोग का सर्वर बीच में, जो कनेक्टिंग डिवाइस, कनेक्टिंग और सेंट्रल हब, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं उसको, तो वो जो रहता है सर्वर, सर्वर के साथ जो क्लाइंट रहते हैं, क्लाइंट जो क्लाइंट रहते हैं उनके साथ जो वायर कनेक्टेड होता है वायर, तो कोएक्सियल केबल और RJ45 केबल लगता है इसके साथ सर्वर से क्लाइंट। नेक्स्ट, हब और स्विच आर मेनली यूज्ड टू एज कनेक्टेड डिवाइस इन फिजिकल स्टार टोपोलॉजी। मैं पहले से क्या बोल रहा हूँ, मैं बीच में क्या रख रहा हूँ कंप्यूटर रख रहा हूँ, उसको क्या बोल रहा हूँ सर्वर। बहुत सारे जगह में हम लोग क्या रखते हैं हब, नहीं तो क्या रखते हैं स्विच, इसके बाद वाला क्लास में ये लोग पढ़ेंगे हब क्या है, स्विच क्या है, ब्रिज क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक कनेक्टेड डिवाइस है जो बीच में रहेगा, उसके साथ हर कोई कंप्यूटर कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस सेम स्ट्रक्चर को हम लोग थोड़ा बना लेते हैं, ये सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा कैमरा जो ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे सो रिक्वेस्ट कर रहा हूं थोड़ा इधर डाल दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, तो और एक बार कंप्यूटर बना देते हैं, वही सेम फिगर को लेके हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि फिगर चेंज नहीं करेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिगर चेंज कर देंगे। ठीक है, ये पांच कंप्यूटर है, तो हम लोग क्या बोले थे, एक कंप्यूटर, एक हब, एक स्विच, ये बीच में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग सोच रहे हब लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया सेंट्रल डिवाइस, ये क्या बन गया सेंट्रल डिवाइस, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर रखेंगे तो क्या बन जाएगा सर्वर, ये सब क्या बन जाएंगे क्लाइंट। क्लियर, तो इसके साथ ये कनेक्टेड हो जाएगा, बहुत ही इजी है, बहुत इजी। कंप्यूटर वन जाता है कंप्यूटर थ्री के साथ बात करने के लिए, तो कैसे बात करेगा थ्रू दिस। क्लियर, बहुत ही इजी है। तो और थोड़ा आगे जाते हैं, मेरे को लग रहा है कि एग्जाम में आएगा तो तुम लोग 100% ये क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी ऑलरेडी मैं पहले बैठते समय जब बैठा था तब जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तब बोल चुका हूँ, रिंग टोपोलॉजी मैं तुम्हारे साथ कनेक्ट रहूंगा, तुम राकेश के साथ, राकेश माधव के साथ, माधव सोनाली के साथ, सोनाली मेरे साथ, तो क्या बन गया एक रिंग बन गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड हूँ, राकेश के साथ नहीं, माधव के साथ नहीं, सोनाली के साथ नहीं, सोनाली तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं, सोनाली मेरे साथ कनेक्टेड है,
माधव सोनाली के साथ कनेक्टेड है, राकेश के साथ नहीं, राकेश कनेक्टेड है माधव के साथ, क्लियर। तो उसी हिसाब से चलेगा रिंग, रिंग टोपोलॉजी, एक रिंग बनेगा, एक सर्कल बनेगा, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी इज लाइक ए बस टोपोलॉजी बट विथ कनेक्टेड एज। बस टोपोलॉजी जैसे रहता है, बस टोपोलॉजी कैसे है, केबल होगा तो मैं यहाँ पे हूँ, राकेश यहाँ पे, और सॉरी मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ पे हो, राकेश यहाँ पे, माधव यहाँ पे, सोनाली यहाँ पे, तो बस टोपोलॉजी बन गया, ठीक है। तो मैं इसको बस को ऐसे मोड़ के लगा देता हूँ, सोनाली को लाके मेरे साथ कनेक्टेड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा कि नहीं, थोड़ा समझ नहीं आ रहा सर, नहीं ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये मैं हो गया, ठीक है। ये क्या कौन बन गया, तुम बन गए, तुम, ये राकेश, ठीक है, ये मैं बन गया, आई, ये तुम, ये तुम, ये तुम, ये राकेश, ये माधव, ये सोनाली, ठीक है। ये क्या किया, बस इसको लेके ऐसे या ऐसे इसको टर्न कर देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे टर्न करके यहां पर लगा देते हैं, तो क्या बन गया, एक रिंग टोपोलॉजी बन गया, क्लियर। एक क्या बन गया, रिंग टोपोलॉजी। तो देखते हैं हम लोग, द नोड दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर विल रिट्रांसमिट टू द नेक्स्ट नोड। जैसे मैं बोला मैं मैसेज किसको दिया, तुमको, तुम की ऑटोमेटिक क्या किए, रिट्रांसमिट किसको थ्रो किए, राकेश को, राकेश किसको थ्रो किया, माधव को, माधव किसको थ्रो किया, सोनाली को, क्लियर। रिट्रांसमिट एक मेरे से तुम, तुम्हारे पास जाएगा, तुमसे किसके पास जाएगा, राकेश के पास, राकेश से किसके पास जाएगा, माधव के पास, माधव से किसके पास जाएगा, सोनाली के पास, क्लियर। तो द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन दैट इज यूनिडायरेक्शनल। मैं सोनाली को नहीं भेज सकता, मैं सोनाली को डाटा नहीं भेज सकता, किस सोनाली को डाटा देना चाहता हूं, कैसे जाएगा, मैं पहले तुमको दूंगा, तुम किसको दोगे, राकेश को, राकेश किसको देगा, माधव को, माधव किसको देगा, सोनाली को, क्लियर। मैं, मेरे पास कनेक्टेड है सोनाली, मगर मैं सोनाली को ऐसे नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ मैं ऐसे जा सकता हूं, ऐसे ऐसे नहीं जा पाऊंगा, रिवर्स नहीं जा पा रहा हूं, मैं फॉरवर्ड जा रहा हूं, तो मैं तुम्हारे पास, तुम राकेश के पास, राकेश माधव के पास, माधव सोनाली के पास, क्लियर। तो it has no terminated ends, that is each node is connected with each other node having no terminated point, obviously kahin pe bhi khatam nahi ho raha hai, main starting node nahi hu ya terminated node nahi hu, kyun tum bologe nahi sir main terminated node hu ya starting node hu, kaise koi bhi nahi bol sakta ki main terminated hu ya starting node hu, kyun sab log hum ring mein connected hai, clear। So the data in ring topology flows in clockwise direction। क्लॉकवाइज क्या मतलब, क्या है क्लॉक का, देखो ना डायरेक्शन कैसे 12 से 11 तक जाता है या 1 के तक जाता है, 12 से 1 2 3 4 5 6 ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, उसी तरह घूमेगा डाटा, घूमेगा। तो ये जो सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर, थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं यहां पे थोड़ा कैमरा देने के लिए, तो जो सेम स्ट्रक्चर है वो सेम स्ट्रक्चर को हम लोग रिंग में कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। तो रिंग में कनेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रक्चर ठीक दिखाई दे रहा है ना, तो ये मैं बन गया, ठीक है, मैं कनेक्टेड हुआ किसके साथ, तुम्हारे साथ, तुम कनेक्टेड हुआ किसके साथ, राकेश के साथ, राकेश कनेक्टेड हुआ किसके साथ, राकेश किसके साथ कनेक्टेड हुआ, क्या याद नहीं रहा, माधव के साथ, माधव किसके साथ कनेक्टेड हुआ, सोनाली के साथ, सोनाली किसके साथ कनेक्टेड हुआ, मेरे साथ, क्लियर। ये बन गया क्या, रिंग स्ट्रक्चर, क्या बन गया, रिंग स्ट्रक्चर, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट टोपोलॉजी का हम लोग चलते हैं, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी को हम लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन व्हिच ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड विद ईच अदर इन हायरार्किकल मैनर, ऊपर से नीचे, हायरार्किकल मतलब क्या है, ऊपर से नीचे कनेक्टेड होगा, ठीक है। द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज रूट, ऑब्वियसली जो ऊपर रहते हैं हम लोग का ग्रैंडफादर, वो घर का रूट है, घर का क्या होता है, ग्रैंडफादर, रूट, उनके नीचे क्या रहते हैं, पिताजी और अंकल लोग, उनके नीचे क्या रहे, हम लोग भाई बहन, उनके नीचे हम लोग का सन और सिस्टर, सॉरी सन और डॉटर, क्लियर। तो समझ में आ रहा, ग्रैंडफादर, उसके बाद पिताजी, उनका भाई बहन, उनके नीचे हम लोग, हम लोग का भाई बहन, और उनके नीचे मेरा बेटा बेटी, वो उसका भाई बहन,
क्लियर। तो ये क्या बन गया, हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ऊपर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, रूट। ऐसे कंप्यूटर भी हम लोग ऐसे कनेक्टेड करेंगे, क्लियर। तो द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज रूट एंड ऑल अदर नोड्स आर, मेरा पिताजी का मैं क्या हूँ, चाइल्ड। मेरा नीचे जो रहेगा मेरा क्या बनेगा, चाइल्ड। ग्रैंडफादर नीचे जो है मेरा पिताजी है, तो पिताजी क्या बन गए, ग्रैंडफादर जो है तो पिताजी उनके नीचे है, तो क्या बन गए, उनका चाइल्ड, क्लियर। ठीक है, देयर इज ओनली वन पाथ एग्जिस्ट बिटवीन टू नोड्स फॉर द डाटा ट्रांसमिशन इट फ्रॉम ए पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। तो क्या रिलेशन बन गया, मेरे ऊपर जो है पेरेंट, उनके ऊपर जो है उनका पेरेंट, उनके ऊपर जो है उनका पेरेंट, क्लियर। मेरे नीचे जो है चाइल्ड, वो क्या बन गया, उसका नीचे जो है उसका पेरेंट, क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। तो सोच लो ये सेम स्ट्रक्चर को हम लोग लेंगे, थोड़ा कैमरा इधर डालिए, ठीक है। तो ये कंप्यूटर वन है, तो कंप्यूटर वन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंप्यूटर टू को कनेक्ट करेंगे, कंप्यूटर का थ्री को कनेक्ट करेंगे, क्लियर। तो ये क्या बन गया, रूट और पेरेंट। ये इस कंप्यूटर ये नोड का, ये दोनों क्या बन गए, चाइल्ड। ये दोनों क्या बन गए, चाइल्ड। तो इनके इसके अंदर मैं रखूंगा क्या, कंप्यूटर फोर, कंप्यूटर फाइव, इसके अंदर रखूंगा कंप्यूटर सिक्स। तो इसका क्या, ये क्या बन गया, चाइल्ड। इसका ये दोनों क्या बन गया, चाइल्ड। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्री स्ट्रक्चर, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी कुछ भी नहीं है, तुम कोई भी दो टोपोलॉजी को ले आओ, उनको मिला दो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज ए कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स टू ट्रांसफर द डाटा। यहाँ पे क्या है, बस टोपोलॉजी, यहाँ पे क्या है, रिंग टोपोलॉजी। दोनों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी। व्हेन टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी आर कंबाइंड टुगेदर इन टर्म आर हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड इफ द सिमिलर आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये थोड़ा बहुत ही थोड़ा लॉजिक है यहाँ पे। सिमिलर आर कनेक्टेड विद ईच अदर विल नॉट रिजल्ट इन हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये कोर्स मटेरियल में ऑलरेडी दे हम लोग दिए हैं, ठीक है। तो बस और बस टोपोलॉजी, यहाँ पे सोच लो एक बस टोपोलॉजी, यहाँ पे एक बस टोपोलॉजी, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हाइब्रिड नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, वही बस टोपोलॉजी। एक रिंग है और एक रिंग है, दोनों कनेक्ट करेंगे वही रिंग टोपोलॉजी। मगर एक रिंग टोपोलॉजी है, हाइब्रिड एक बस टोपोलॉजी है, दोनों को कनेक्ट करेंगे क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी, क्लियर। थोड़ा डाउट हो रहा है तो बहुत इजी है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। हम लोग दो टोपोलॉजी बना देते हैं, लेट्स We'll make two topology, different type of topology. तुम लोग बोलो कौन सा topology बनाएंगे? मेरे लिए easy है bus topology बनाना, ठीक है? तो मैं एक bus topology बना दिया, ये backbone का बोल हो गया, तो ये एक bus topology हो गया, ठीक है? और एक बनाते हैं ring topology, ये भी बहुत easy है, ठीक है? फटाफट बन रहा है, देखो, पढ़ाई इतना easy होता है, थोड़ा practice करने से और easy है, तो इसको लाके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया? ये एक बन गया क्या? ये क्या बन गया, बोलो जल्दी, ये क्या बन गया, बस। ये क्या बन गया, रिंग। ये दोनों को मिला दे तो क्या बन गया, हाइब्रिड। दोनों मिलाने से क्या बन जाएगा, हाइब्रिड, क्लियर। तो हम लोग का जो आज कवर हुआ, तो इसमें हम लोग देखे कि किस तरह हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाएंगे, उन लोग को भी दोनों के बीच में हम लोग केबल कनेक्ट करेंगे। तो केबल कनेक्ट करने के बाद एक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, वो स्ट्रक्चर का हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्यों बनाते हैं, क्योंकि नेटवर्क को सैटिस्फाई करने के लिए। नेटवर्क क्यों बनाते हैं, मैसेज ट्रांसफर करने के लिए। तो मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा तो जाएगा ना। मैं राकेश के पास देना चाहता हूँ या तुम्हारे पास देना चाहता हूँ, सोच लो मैं किस मेस कनेक्शन में हूँ। तो मेस हम लोग पढ़े थे मेस कनेक्शन, तो मेस टोपोलॉजी में हम लोग, मैं सोच लो मैं मेस टोपोलॉजी में हूँ, तो कैसे मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तो एक मैसेज किसके पास जाएगा, तुम्हारे पास जाएगा, राकेश के पास जाएगा, माधव के पास जाएगा, सुनल के पास जाएगा। सोच लो मैं रिंग टोपोलॉजी में हूँ, तो मेरा मैसेज किसको पहले जाएगा, तुम्हारे पास जाएगा, क्लियर। तो जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा मैसेज ट्रांसमिशन, उसी तरह का होगा, क्लियर। तो एक अच्छा सा कंपैरिजन ऑलरेडी दिया गया है, जो डिफरेंट के टाइप का जो मैं टोपोलॉजी बोला, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, ट्रैफिक है, फेल्योर है, उनका कॉस्ट कितना आएगा,